हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आर्ट मैजिक बाय विकास। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक मोजाइक आर्ट, जो कि एक डिफरेंट स्टाइल का आर्ट वीडियो होने वाला है आज का। हम यूजुअली बहुत ज़्यादा यूजुअली पेंटिंग्स, कलर पेंसिल्स, ये सब करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ डिफरेंट एंड अलग टाइप की क्राफ्ट वीडियो करें, जिसके अंदर हम इंडिया के ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में भी जान सकें एंड उन्हें एक न्यू लुक भी दे सकें। और ये सारी चीज़ें आपके घर को बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग दिखाएंगी एंड आपके घर का एस्थेटिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बिना समय गवाए लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड मैं आपको पूरे ट्यूटोरियल में अच्छी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इस मोजाइक आर्ट को बना के कंप्लीट किया है। तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने मिरर मोजाइक आर्ट को। मिरर मोजाइक आर्ट बनाने के लिए जो जो चीजों का हमें जरूरत पड़ेगा वो है एक प्लाईबोर्ड, जिस बेस के ऊपर हम अपने मिरर मोजाइक आर्ट को बनाएंगे, या फिर MDF बोर्ड। इन दोनों में से आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट साइजेस के मिरर्स का हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हमें चाहिए होगा फेविकॉल, ताकि हम इन सारी चीज़ों को पेस्ट कर सकें। फिर हमें चाहिए होगा वॉल पुट्टी, जो कि आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर से खरीद सकते हैं। एंड एंड में हमें चाहिए होंगे कुछ पेंट्स, जिस मोजाइक आर्ट के जो बेस होगा वॉल पुट्टी के अंदर, आपको जिस कलर का आपको बनाना है वो कलर के आप बना सकते हैं। तो वो कलर्स के आपको पेंट्स लेने होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना मिरर मोजाइक आर्ट बनाना। यहाँ पे आपको अपना कॉम्पोजिशन खुद से सेलेक्ट कर लेना है और एक प्लाईबोर्ड खरीद लेना है। मैंने यहाँ पे प्लाईबोर्ड यूज़ किया है, लेकिन आप MDF बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का यूज़ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मैंने यहाँ पे प्लाईवुड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा और कभी भी जल्दी से ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे मेरे कॉम्पोजिशन के अंदर मैंने सबसे बाहर लगाए हैं स्क्वायर मिरर्स, जो कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक दूसरे से हैं, और फिर मैंने राउंड मिरर्स लगा के पूरे प्लाईवुड को कवर कर लिया है। यहाँ पे जो मेरा कॉम्पोजिशन है उसके लिए मैंने प्लाईवुड की जो लेंथ है वो है 2 feet by 1 feet, विच इज़ 24 inches x 12 inches, और जो मेरा प्लाईवुड है उसकी थिकनेस है 0.6 cm, विच इज़ 6 mm। तो अब हम ये स्क्वायर मिरर्स को लास्ट अपनी अंदर की बाउंड्री देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं मैं नीचे 2 compartment बना रहा हूँ, तो उसकी सेपरेशन के लिए भी मैं इन्हीं स्क्वायर मिरर्स का इस्तेमाल करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मिरर्स एक साथ जब लग जा रहे हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आप फेविकॉल का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को इस तरीके से चिपकाते जाएं। ज़्यादा फेविकॉल एक बार में ना लगाएं, थोड़े थोड़े सेक्शन पे फेविकॉल लगा के अपने मिरर्स को चिपकाते जाएं। और अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने नीचे 2 square compartments को डिवाइड कर लिया है। इसी तरीके से ये बाउंड्री को भी हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर मिरर्स का इस्तेमाल किया है वो मीडियम साइज़ वाले हैं, और फिर उन लोग को एक दूसरे के करीब लगाया है ताकि वो एक बाउंड्री का फॉर्म दे हमें। इसी तरीके से जैसे हमने, क्योंकि हमारा जो ये प्लाईबोर्ड है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हम नीचे और ऊपर दोनों तरफ ऐसे स्क्वायर स्क्वायर 2 compartments बनाएंगे, ताकि हमें बीच में एक स्क्वायर या फिर ज़्यादा कम डायमेंशन का हमें एक रेक्टेंगल देखने को मिले, जिसमें हम अपना फाइनल कॉम्पोजिशन बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये जो हमारे कंपार्टमेंट्स थे, उन कंपार्टमेंट्स में मैं क्या डिज़ाइन बनाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बीच में एक सेंट्रल गोल मिरर लगाया है, फिर मैंने लीफ पैटर्न के मिरर्स का इस्तेमाल किया है।
लीफ मिरर्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं 8, ताकि आपको पहले अपने फेविकॉल को डिफाइन कर लेना है। जैसे मैंने लगाया था ऊपर नीचे एंड बीच में 2, तो मतलब मैंने उसको एक प्लस फॉर्मेशन दिया था और फिर उसी को क्रॉस करता हुआ बीच में जो जगहें थी वहाँ वहाँ पे मैंने लगाया। तो आपका जो लीफ जो फ्लावर पैटर्न बीच में बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, वो इधर उधर टेढ़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने उसको छोटे गोल मिरर्स, जो मेरे पास सबसे छोटे साइज के स्क्वायर मिरर्स थे, उसका इस्तेमाल करके मैंने उसकी बाउंड्री बनाई है, देख पा रहे होंगे। फिर हमने डायमंड मिरर्स का लिया यूज़ किया है और फिर एक और बाउंड्री बनाए उनको हॉरिजॉन्टली प्लेस करके। अब उसके बाद मैं एंड में डायमंड मिरर्स को वर्टिकली प्लेस करूँगा ताकि मेरा एक फ्लोरल पैटर्न बनके रेडी हो जाए। तो मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब फिर हम 4 कॉर्नर्स के लिए इन गोर मिरर्स को प्लेस करेंगे और फिर उसके आसपास इन पेटल शेप मिरर्स को प्लेस करके और फ्लावर्स बना देंगे। यही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे बचे हुए 4 कंपार्टमेंट के अंदर भी। तो जब ये बनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो जैसे मैंने इन कंपार्टमेंट्स को बनाया है, उसी तरीके से हम बचे हुए 2 और कंपार्टमेंट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं इसको कंप्लीट करता हुआ नेक्स्ट ट्यूसडे को। आशा करता हूँ कि आपको ये मोज़ाइक आर्ट पसंद जरूर आया होगा। आप इसे अपने होम डेकोर इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे मिरर्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा आई कैची और अच्छी दिखेगी। तो आप लोग भी इसे अपने घर के इंटीरियर्स के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें और अपने लिविंग रूम या फिर एंट्रेंसेस, इन सारी जगहों को एक न्यू लुक दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलता हूँ मैं आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते।